भैया इस वक्त रॉयल पैलेस पार्क पे फुल पीछे निब्बा निब्बियां खड़ी हुई हैं, समझ रहे हो समझ रहे हो। टेंपल में अलाउ नहीं है शॉर्ट्स, तो अब अहमद भाई के लिए कुछ ले रहे हैं हम ताकि कवर करें अपने आप को। 2500 रुपीज माशाल्लाह, तू अगर तो पैंट पहन के आया था ना ये 2500 रुपए बच जाते। मैं क्या कर दिया, मैं क्या बन गया हूं। यार मैं सोच रहा हूँ अपनी अब टीम ही डाल दूँ यार, अलग बाबर आजम भी मिल गया, बस थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो बाबर आजम ये बंदा है ना रेडी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। भाई देखो मैच देखने आए हुए थे, मैच था कैंडी में, अब मैच हो गया ख़त्म। सो उसके बाद थोड़ा सा क्यों ना श्रीलंका घूम लिया जाए, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंडी के व्यू पॉइंट पे और यहाँ से कैंडी पूरा नज़र आता है आपको। तो आज सोचा कि थोड़ा सा कैंडी घूमेंगे, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, इसके सिटी टूर लेंगे और इसके बाद हम जाएंगे दूसरे शहर जो कि नवारा एलिया है, वहाँ पर जाएंगे चेक इन करेंगे और ये पूरा एक्सपीरियंस दिखाते हैं रास्ते में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। थोड़े रास्ते के भी शॉट्स आप देख रहे होंगे। तो फिलहाल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ सामने आपको कैंडी लेक भी नज़र आ रही है, जो बड़ी खूबसूरत सी एक छोटी सी लेक है और बहुत अच्छी मैनेज हुई है। इवन मैं हम लोग नीचे भी गए थे, हम लोग कल भी गए थे यहाँ पर, तो बहुत पुरसकून माहौल है और बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। मतलब शहर छोटा सा है बट वही बात है, मैनेजमेंट अच्छी हो तो चीज़ें टूरिस्ट आते हैं देखते हैं। तो ये अतराफ का एरिया बड़ा खूबसूरत है, अभी भी बारिश हो रही है और बारिश में हम लोग खड़े हुए हैं, लोग आए हुए हैं, लोग मतलब आगे पीछे कैफ़ेज़ भी बने हुए हैं, स्ट्रीट कैफ़ेज़ काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, हमने गिफ्ट शॉप्स भी हैं, तो अच्छा एक मंज़र पेश कर रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है यहाँ पे। भैया इस वक्त रॉयल पैलेस पार्क पर आए हैं यहाँ पर कैंडी की, ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो लेट्स सी अंदर क्या है। यहाँ पे आने के बाद पता था यहाँ का 100 रुपये का टिकट है। अभी मेरे मतलब फुल पीछे निब्बा निब्बियाँ खड़ी हुई हैं, तो वो लोग टिकट लेने आए तो उनसे पहले आईडी कार्ड मांगा है, तो इसका मतलब है ये फुल भाई, समझ रहे हो समझ रहे हो। नेचर एक तरफ, ये देख रहे हो आप कितना पुरसकून माहौल है, प्लस बारिश हो रही है, तमाम गिफ्ट ऐसा लग रहा है अल्लाह ताला ने जो है इन लोगों को दिए। कैमरे का एक फ़ायदा है, जैसे ही आपके भाई ने कैमरा खोला व्लॉगिंग शुरू, तमाम सोशल डिस्टेंस स्टार्ट हो गया यहाँ पे। भैया एक ये शेर है और एक आपको पता है ना कहाँ है शेर, को आ रहा नहीं है पाकिस्तान। यार अहमद मुझे लग रहा है कि हम लोगों को जो ना यहाँ से जाना चाहिए, तुझे पता है क्यों? एक तो कैमरा हर जगह घुमा भी नहीं सकते, जो यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रही, हट रही है मेरी, तो चलते हैं किसी और स्पॉट पर। पार्क अच्छा है, ग्रीनरी है, बस मेंटेनेंस मेरे ख्याल से चल रही है, क्या है बहुत कूल पार्टी। बाकी अगर इधर उधर कैमरा घुमा दिया ना मसला हो जाएगा, सेंसर हो जाएगा। यार दिल जल रहा था जब भी आ गए हम लोग पार्क से निकल के, मतलब क्या है ये मोहब्बत में क्या रखा है भाई, चलो आगे घूमते हैं और चीज़ें, खुदा की कदम दोस्त ऐसा लग रहा है 200 रुपये ज़ाया होगा, वसूल तो वो लोग कर रहे थे। अभी हम लोग कैंडी के टेम्पल जा रहे हैं जो कि बड़ा मशहूर है, तो देखते हैं टेम्पल, अंदर कैमराज अलाउ नहीं है तो वी माइट नॉट इन डिटेल। टेम्पल में अलाउ नहीं है शॉर्ट्स, तो अब अहमद भाई के लिए कुछ ले रहे हैं हम ताकि कवर करें अपने आप को। ये हाउ मच फॉर दिस? 2500 रुपीज माशाल्लाह, तू अगर तो पैंट पहन के आया था ना ये 2500 रुपये बच जाते। हाँ ये लो ना भाई, ये अहमद के लिए हमने ले लिया है ये लुंगी, अब ये लुंगी डांस होगा और ये मुझे बांधना भी नहीं आता, कोई बांध नहीं। टिकट निकाल रहे हैं भाई, मैं क्या कर दिया, मैं क्या बन गया हूं। तुझे शौक था ना शॉर्ट्स पहनने का, अब ये नीचे कर ले इसको फिर जाओ। आ जाओ भाई आ जाओ, क्यों शर्मा रहा, आ जाओ। अच्छा भाई तो अभी हम जा रहे हैं टेम्पल, ऑब्वियसली कहीं भी आप जाते हैं किसी भी रिलीजियस प्लेस में, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ हो, आप रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी जो नॉर्म्स होते हैं वो आप फॉलो करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं टेम्पल, अभी टिकट लेंगे, वैसे गाइड भी हैं बाहर जो 1000 रुपये ले रहे थे, बट हमने बोला नहीं यार हम खुद जाते हैं और खुद जा कर देखेंगे।
तो यहाँ तो विज़िट करना बनता है, देखना है आर्किटेक्ट, देखना है यहाँ का, तो बड़ी साफ़ सुथरी जगह है, ऊपर से बारिश। अच्छा, दो गेट है वहाँ पे फॉरनर्स के लिए, ये है तो ऑब्वियसली हम लोग फॉरनर हैं, अभी नंगे पैर जा रहे हैं, पर एक अरोमा है यहाँ पे, खुशबू है जो आ रही है। चलो, चूँकि हम लोग एक टेंपल में आए हैं तो मैं ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं समझा, अभी भी पीछे कुछ इनके ऑब्वियसली रिचुअल्स होंगे तो वो खाली दिखाऊंगा मैं, मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता और डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं लगता, तो इसी वजह से यहाँ जितने भी आप शॉट्स देखेंगे वो बिल्कुल साइलेंट शॉट्स होंगे, उसमें ज़्यादा कुछ डिटेल मुझे पता भी नहीं है, ना मैंने कोई गाइड हायर किया था, क्योंकि डेडिकेटेड इस टेम्पल पर ये ब्लॉग है, तो दिखाते हैं आप बाहर। ये काफ़ी एक ह्यूज टेम्पल है, कभी आएंगे हम दोबारा तो इसको डिटेल में हम ब्लॉग करेंगे, बताएंगे। फिलहाल यहाँ से हम चलते हैं क्योंकि आगे भी सफ़र भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कवर करनी है इस ब्लॉग में। असल में सुबह से उठे हुए और मज़े की बात ये है कि अभी हम जा रहे हैं दूसरी सिटी नोरेलिया, तो अब सर में दर्द हो रहा है, अब क्या करें, चाय पीनी पड़ेगी, तो चाय के लिए हमने सोचा भाई चाय पियेंगे तो हम टी फार्म पे ही पियेंगे, तो अभी अब एक डमरू करके एक टी फार्म है और वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके हम फ्रेश चाय पियेंगे, क्योंकि आगे पीछे जितनी भी आप वैली देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ टी प्लांटेशन हुई है, क्या खूबसूरत वैली है ये, सोच है यार क्या खूबसूरत वैली है। व्हाट इज़ द नेम and the name of this area? Bursala. So ये नाम है भाई, और अभी हम जाएंगे तो देखते हैं टी का एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे टी फार्म्स है डिफरेंट डिफरेंट जिन्होंने मार्केटिंग की है। लेट्स सी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की चाय कैसे। भैया अभी आपको मेरे पीछे ऐसा लग रहा होगा स्मोग है या फॉग है, अभी हम लोग क्लाउड्स में हैं और बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब हिल्स में हम लोग, और सामने आपको डमरू टी फार्म, अभी हम लोग उस पर खड़े हुए हैं, अभी थोड़ी देर के बाद विजिट भी करेंगे, चाय भी पियेंगे और देखेंगे माहौल। इस वक्त यहाँ पर ठंड बहुत है लिटरली, और हम तो टी शर्ट्स में हैं मगर ठंड है यहाँ पर। वी आर गोइंग टू टी फैक्ट्री, अभी टी फैक्ट्री का विजिट है, साथ में गाइड भी हमारे, तो अभी हम देख रहे हैं कि ये टी का प्रोसेस क्या होता है, क्या खुशबू आ रही है। ये जो टी है इसके अंदर ये बता रहे हैं कि ये जो बीच वाली टी होती है ना वो वाइट टी है, ये ब्लैक होती है, और ये जो पूरी जो होती है ना, सॉरी ये जो पूरी होती है वो ब्लैक टी होती है, और ये बीच में जो निकलती है ना वो होती है व्हाइट टी, मतलब बड़ी रेयर है व्हाइट टी। फिल्टर मशीन डिवाइड इनटू द फाइव टाइप्स ऑफ ब्लैक टी, लार्ज, मीडियम, स्मॉलर
पार्टिकल चिलीप्स है, इट विल बी सो मच स्ट्रांग प्लान। अच्छा अभी जो फैक्ट्री में जो ना काम नहीं हो रहा, उसकी वजह ये कि मॉर्निंग शिफ्ट खत्म हो गई है और हम लोग थोड़े से लेट है, वरना हम प्रोसेस भी दिखाते हैं कहाँ ये टी लीव जो है ना खुश्क होते हैं, प्रोसेस होते हैं, फिल्टर्ड होते हैं, फिर जाके आपकी जो ना ये जो हमारे पास जो टी आती है ना वो फॉर्मेशन। ये टी लीव्स का ड्राइंग प्रोसेस 20 मिनट, वी जस्ट यूज टू फायरवुड। इनका ये कहना है कि ये डेली 2 टन चाय प्रोड्यूस करते हैं, चाय की पत्ती, जिसमें से 80% है वो एक्सपोर्ट होती है और 20% वो यहाँ पे यूज होती है, मतलब यहाँ की लोकल मार्केट में, और ये 80% जो है वो जाती है ऑक्शन पे कोलंबो, वहाँ जो ऑक्शन होती है ना वहाँ से फिर बड़ी कंपनी जो होती है ये जो चाय है वो बाय करते हैं। बाय द वे बारिश शुरू हो गई। अच्छा यहाँ पे जो है ना जो वाइट टी है ना वो भी 3 चीज़ों में इसको उन्होंने वो किया, एक है ग्रे टी ग्रे, एक है बिल्कुल वाइट, एक उससे थोड़ी लाइट है। इसका ड्राई प्रोसेस डिफरेंट होता है, मतलब एक होती है जो कि 3 हफ्ते ड्राई होती है धूप में, एक ड्राई होती है 2 हफ्ते, एक होती है 1 हफ्ते। तो ये ड्राई प्रोसेस था जो कि कहते हैं कि श्रीलंका की सबसे बेस्ट टी होती है वाइट टी। फिलहाल ब्लैक टी जो है हमें जो मीडियम क्वालिटी की है वो कॉम्प्लीमेंट्री अभी हम ट्राई करने लगे हैं। चलो वाह, अभी अलर्ट शुगर, कैन आई हैव 1 चॉकलेट केक। कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिल रही हैं तो कुछ खरीद के भी खाएं ना यार। 1 चॉकलेट ये आपके भाई ने डाली चीनी और क्या, क्या खुशबू है यार फ्रेश टी की। डेली 2 टन ये इस फैक्ट्री से प्रोड्यूस हो रहा है, आई मीन सेल होने के लिए जाता है, जिसमें से 80% जो एक्सपोर्ट हो रहा है और 20% यहाँ की लोकल मार्केट में ब्रांडिंग होके बिक रहा होता है। अब होता क्या है, जब ऑक्शन में जाती है चीज़ें तो ऑक्शन में जाने के बाद इसको मुख्तलिफ कंपनीज जो होती हैं वो आके बाय कर लेती हैं, फिर वो अपने लेबल लगाती हैं। तो एट दी एंड चीज़ें यहीं से प्रोड्यूस हो रही हैं, और कितनी क्वालिटी है इनकी चाय की हमें तो कद्दू नहीं पता। हम तो बोलते अच्छा भाई दानेदार हो और ख़त्म है, दूध टाइट हो और कड़क पकी हुई हो, मगर क्वालिटी बहुत यार मैटर करती है। पूरे रास्ते हमने खाली यही देखा कि मुख्तलिफ सिर्फ फार्म्स ही नज़र आए हैं और क्या वैलीज़ हैं। अभी क्लाउड्स जो है ना, क्लाउड्स ने घेरा हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखो तो पूरा आगे पीछे क्लाउड्स ही होंगे। चलो भाई चाय एंजॉय करते हैं। अभी चाचा से मैंने केक मंगाया, केक आ जाए, थोड़ा सा केक शेक खाएंगे। काफ़ी सुस्ती हो गई थी वैसे, 1-2 दिन से चाय नहीं पी थी, मज़ेदार विदाउट मिल्क वाली टी है। मज़ेदार सॉफ्ट फ्लफी केक है, वाह। चलो भाई अभी हम चाय वाय पी ली, अब थोड़ा सा एक्टिव हो गए और यहाँ से अभी हम आगे फर्दर सफ़र करेंगे दूसरी सिटी का। यार हर जगह ऐसी है जो स्पॉट के जाने को दिल नहीं चाह रहा, और मज़े के बाद हम लोग टी शर्ट्स पहन के आ गए, हुडी वुडी लेनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे है थोड़ी सी ठंड और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग। यार मैं सोच रहा हूँ अपनी अब टीम ही डाल दूँ यार, अलग बाबर आजम भी मिल गया, बस थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो बाबर आजम ये बंदा है ना रेडी है। भैया फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने होटल, अभी चेक इन करवाएंगे। रास्ता अच्छा था, खूबसूरत था, मुस्तकिल बारिश हो रही थी, अभी भी क्लाउड्स में घिरे हैं हम लोग। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा। अभी हम ये सिटी देखेंगे और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको सिटी भी दिखाएं और भी दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो दिखाएं। बड़ी खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग, और क्या ग्रीनरी है यहाँ पे। ओए होए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।